प्यारे बच्चों, दसवीं कक्षा के विज्ञान के नौवें चैप्टर आनुवंशिकता एवं जैव विकास के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आनुवंशिकी क्या होता है, और फिर आनुवंशिकी के क्षेत्र में मेंडल का क्या योगदान रहा, और मेंडल ने इस संबंध में जो नियम दिए उन नियमों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लिंग निर्धारण का संक्षिप्त परिचय लेंगे, और मानव में लिंग निर्धारण किस तरह से होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। और उसके बाद जो है इस चैप्टर के लास्ट का जो पार्ट है वो है जैव विकास। तो हम जैव विकास क्या होता है और इसके जो बेसिक कंसेप्ट जो है उनकी हम स्टडी करेंगे। तो आगे लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस चैप्टर के नोट्स जो है मैंने सुरेश लेक्चरर मोबाइल ऐप पर डाल दिए हैं, तो आप वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और ये ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं की है तो आप प्ले स्टोर से जा करके सुरेश लेक्चरर मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लोगों से आप इसको पहचान सकते हैं। और एक बार इस वीडियो को लाइक करके मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि कितने लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। तो आइए हम फर्स्ट लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आनुवंशिकता या हेरिडिटी क्या होती है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लेते हैं हमारे पास ये एक आम का पेड़ है, और इस आम के पेड़ से जो बीज प्राप्त होता है उससे हम आगे एक और पौधा प्राप्त कर सकते हैं, और इस आम के पेड़ से जो आगे पौधा प्राप्त होगा उसमें जो विभिन्न लक्षण है वो किस वाले होंगे, इस आम के पेड़ वाले ही होंगे। ठीक इसी तरह से इस पौधे से आगे जो बीज प्राप्त होगा उससे भी जो पौधा प्राप्त होगा उसमें भी सभी लक्षण जो है वो कैसे होंगे, आम के पेड़ वाले होंगे। ठीक उसी तरह से हम एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा खरगोश का। तो खरगोश के अगर बच्चे को देखें तो खरगोश के बच्चे में जो पेरेंट खरगोश वाले, जनक खरगोश वाले जो सभी गुण जो है इसके अंदर लगभग मौजूद होते हैं। इसी तरह से आप किसी भी सजीव की बात करें, बेशक वो मानव हो या कोई अन्य सजीव हो, उससे जो उसकी संतति प्राप्त होगी, उसकी जो संतान प्राप्त होगी, उस संतान के अंदर विभिन्न लक्षण जो है वो किसके होंगे, इसके जनक के ही होंगे, इसको इसके पेरेंट्स वाले ही होंगे। तो अब देखिए कि यदि हम यहाँ पर इस पेड़ को पहली पीढ़ी माने तो इसकी जो संतान होगी वो दूसरी पीढ़ी माना जाएगा, उसकी जो संतान हो तीसरी पीढ़ी माना जाएगा। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों का स्थानांतरण हो रहा है। जैसे यहाँ ये खरगोश पहली पीढ़ी में आता है, इसका संतान दूसरी पीढ़ी में आता है, तो इसके जो लक्षण है विभिन्न इसके अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक इसमें स्थानांतरित हो रहे हैं, और इस स्थानांतरण भी कैसा है, पूर्ण विश्वसनीयता के साथ स्थानांतरण है। कहने का मतलब ये है कि जैसे इस खरगोश का बच्चा है वो खरगोश जैसा ही मिलेगा आपको, बकरी के बच्चे जैसा नहीं मिलेगा। ठीक इसका मतलब जो गुणों का ट्रांसफर हो रहा है वो पूरे विश्वसनीयता के साथ हो रहा है। तो इसी तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ जो स्थानांतरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता, आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं कि विभिन्नता या वेरिएशंस क्या होती है, कि इसको भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। कि यहाँ पर आप दो गुलाब के पौधे देख पा रहे हैं, एक पौधे का फूल देखिए कैसे कलर का है, गुलाबी कलर का है, और दूसरे का पीले कलर का है। तो यहाँ पर ये गुलाब जो है दोनों पौधे एक ही जाति यानी गुलाब के पौधे हैं, लेकिन इन दोनों में क्या है, कुछ असमानता है। ठीक इसी तरह की असमानता आप यहाँ पर बिल्ली के बच्चों में भी देख सकते हैं, कि यहाँ पर इन तीन का कलर देखिए कैसा है और इस चौथे का कलर देखिए कैसा है। ठीक और तो देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो सभी के अंदर थोड़ी थोड़ी क्या है, असमानता है। ठीक तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक ही जाति विशेष में पाए जाने वाली असमानताएं जो है वो क्या कहलाती है, विभिन्नताएं कहलाती है। तो देखिए यहां से हम ये कह सकते हैं कि एक ही जाति विशेष में पाए जाने वाली असमानताएं क्या कहलाती है, विभिन्नताएं कहलाती है। वास्तव में अगर विभिन्नताओं को हम देखें तो ये वास्तव में क्या है, जनक और संतति के लक्षणों में असमानता है, कि जो जनक है और उसकी जो संतान है उनके बीच लक्षणों की जो असमानता है वही क्या है, विभिन्नता है। और विभिन्नता के दो कारण हो सकते हैं, या जीन की वजह से भी हो सकती है या फिर पर्यावरण की वजह से भी असमानता हो सकती है।
अब आगे देखिए कि आप सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी के बारे में आप समझ चुके हैं और विभिन्नताओं यानी वेरिएशंस के बारे में भी आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो विज्ञान जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान की वो शाखा क्या कहलाती है? आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहलाती है। अब जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले बेटसन नामक साइंटिस्ट ने किया था 1905 में, और वास्तव में जेनेटिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है वो एक ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई है। ठीक, ये जीन क्या होता है इसकी भी स्टडी हम इसी चैप्टर में करेंगे। अब आगे आता है कि विभिन्नताओं के प्रकार यानी वेरिएशंस कितने प्रकार की होती है। वेरिएशंस मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक कोशिका विभिन्नता और दूसरा जनन कोशिका विभिन्नता। शारीरिक कोशिका विभिन्नता का अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे मान लेते हैं कि कानों में छेद करना हो गया, या कुत्तों की पूंछ कटवा देते हैं कई बार, तो ये जो है चेंज है ये सिर्फ शारीरिक कोशिका में होते हैं। ठीक, तो इस टाइप की जो विभिन्नताएं हैं वो क्या कहलाती है? शारीरिक कोशिका विभिन्नता कहलाती है, और शारीरिक कोशिका विभिन्नता सिर्फ शारीरिक कोशिकाओं में आती है। ठीक, और जनन कोशिका विभिन्नता जैसे मानव के बालों का रंग है, उसके शरीर की लंबाई है, उसके आंखों का रंग है, ये जनन कोशिका विभिन्नता के उदाहरण है, और ये जनन कोशिकाओं में ये विभिन्नता जो है आती है। अब दूसरा इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है कि जो शारीरिक कोशिका विभिन्नता है ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती। जैसे मान लेते हैं कि कानों में एक पीढ़ी के किसी मनुष्य ने छेद करवा रखा है तो उसकी जो संतान होगी उसके कानों में छेद नहीं मिलेगा। ठीक, इसी तरह से मान लेते हैं कि एक कुत्ते की पूंछ हमने काट दी है तो उसकी जो संतान होगी वो पूंछ वाली होगी, वो कटी हुई पूंछ की नहीं होगी। तो शारीरिक कोशिका विभिन्नता जो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती। लेकिन जैसे मान लेते हैं कि एक मानव के बालों का रंग जो है वो से ब्राउन है तो उसके जो संतान का जो कलर संतान के जो बालों का जो कलर है वो ब्राउन हो सकता है। तो ये जो कलर है, इसी तरह से आंखों का जो कलर है जैसे माँ की आंखों का कलर है वो उसके संतान में आ सकता है। इसी तरह से मानव शरीर की लंबाई है वो भी एक जनन कोशिका विभिन्नता है, ये भी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो सकती है। और जब ये जनन कोशिका विभिन्नता अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होती है तो नेचुरल सी बात है कि जैव विकास में तो ये सहायक होंगी, और शारीरिक कोशिका विभिन्नता अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होती तो ये जैव विकास में सहायक नहीं होती। अब शारीरिक कोशिका विभिन्नता जनन कोशिका विभिन्नता में जो लास्ट अंतर है कि शारीरिक कोशिका विभिन्नता को जो हम उपार्जित लक्षण भी कहते हैं और इसी तरह से इनको जो हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। अब आगे देखिए कि जो जनन कोशिका विभिन्नता की हम बात कर रहे हैं, ये चाहे लैंगिक जनन हो चाहे अलैंगिक जनन हो, दोनों में इन विभिन्नताओं का संचयन होता है, ट्रांसफर होता है। तो अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो विभिन्नताएं होती है उनके चांसेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो विभिन्नताएं आती है वो वास्तव में डीएनए की प्रतिकृति बनती है, डीएनए की जो कॉपी बनती है उसके अंदर अगर कोई थोड़ी बहुत त्रुटि आ जाती है उसी के कारण यहाँ पर विभिन्नताएं होती है। ठीक, तो अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं तो होती है लेकिन कम होती है। सिर्फ किसकी वजह से होती है? वो डीएनए की प्रतिकृति के अंदर कुछ त्रुटियां आ जाए, न्यून त्रुटियां आ जाए, उसी के कारण जो है यहाँ पर अलैंगिक जनन में जो है वो विभिन्नताएं आती है। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर जो विभिन्नताएं हैं वो ज्यादा आने के चांसेस हैं। क्योंकि तो जैसे अलैंगिक जनन में तो सिर्फ एक ही जीव जो है जनन में शामिल होता है, जबकि लैंगिक जनन में दो जीव शामिल होते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ अपेक्षाकृत विभिन्नताएं जो है वो ज्यादा होगी। और यह विभिन्नताओं के जो है अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे क्रॉस संकरण है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम का वियोजन है, म्यूटेशन है, तो इन वजह से जो है ये विभिन्नताएं जो है वो काफी
अधिक हो सकती है। अब देखिए कि विभिन्नताओं के क्या लाभ है। विभिन्नताओं के बारे में हमने देखा कि जैव विकास में तो विभिन्नताएं सहायक ही है। इसके अलावा देखिए कि कुछ सजीवों को जो इसके और भी फायदे हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनके अंदर गर्मी सहन करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। उसी तरह से जो है इसका दूसरा फायदा ये है कि जो नेचर है वो एक उत्तम परिवर्त को जो है सिलेक्ट कर लेती है। यहाँ पर परिवर्त का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं कि एक जनक से जो है दो आगे संतति प्राप्त हुई, दोनों में कुछ विभिन्नताएं हैं, ठीक, दोनों में क्या है कुछ विभिन्नताएं हैं। तो नेचर क्या करती है कि नेचर अपने अकॉर्डिंग किसी एक परिवर्त को यानी इसमें से किसी एक रूप को जो है सिलेक्ट कर लेती है और फिर वही जो है आगे जैव विकास प्रक्रम का आधार बनता है। तो यहाँ पर हमने विभिन्नताओं के लाभ में ये देखा कि इससे जीवाणुओं को या जीवों को जो है पर्यावरण में अनुकूलन की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और जैव विकास प्रक्रम में जो है ये हेल्प करती है। अब आगे देखिए कि यहाँ पर एक एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, कहता है कि यदि एक लक्षण ए, लक्षण का नाम दिया हुआ है लक्षण ए, अलैंगिक प्रजनन की समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा दूसरा लक्षण यानी लक्षण बी उसी समष्टि के 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। यानी बात यहाँ पर कैसे प्रजनन की बात कर रहे हैं, अलैंगिक प्रजनन की। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि अलैंगिक प्रजनन में लक्षण ए तो पाया जाता है 10% सदस्यों में और लक्षण बी जो है उसी प्रजाति के 60% जीवों में पाया जाता है। तो ये कहता है कि कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। तो यदि हम अलैंगिक प्रजनन की बात करें ना, तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि जो बदलाव है या जो लक्षण है वो न्यूनतम बदलाव के साथ अगली पीढ़ी में जाते हैं, यानी लगभग मोस्टली हूबहू कॉपी लग जाती है लक्षणों की। अब क्योंकि लक्षण जो है कॉपी होके आ रहे हैं, इसका मतलब जो ज्यादा परसेंटेज में जो लक्षण है वही पहले उत्पन्न हुआ है, सिंपल सी बात है। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही, और अगले लेक्चर में हम आनुवंशिकी में मेंडल का क्या योगदान रहा, उन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए और किस तरीके से किए, उन सभी एक्सपेरिमेंट को हम अच्छे से पिक्चर्स के साथ और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगले लेक्चर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।